आउटलाइन 3 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बबलू राघव, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि आप फ्री में सीएससी के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट है या पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही 10 से 15 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए सबसे पहले बता दूं, आप इसे गूगल क्रोम पे नहीं खोल सकते हैं, आप इसे अपने मोजिला फायरबॉक्स में ही उसे ओपन करें। तो आपको सबसे ऊपर सर्च में लिखना है सी एस सी रजिस्ट्रेशन। लिखने के बाद मैं आपको बता दूं जो तीसरी जो वेबसाइट है न्यू सी एस सी एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी और इसमें आपको नीचे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको आपके पास आईआरएस भी नहीं है, फिंगरप्रिंट नहीं है, तो आप ओटीपी डाल दें। आपके आधार में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और इसके बाद ये इमेज जो है वो इसमें डाल दें। इसके बाद आप इसे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये क्लिक करना है और एसएमएस पे और ईमेल पे। इसके बाद आप जनरेट ओटीपी कर दें। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ये देखिए यहाँ से ओटीपी भेज दिया गया है। जैसे ही मेरे पास आता है तो मैं इसमें डाल दूंगा। मेरे पास ओटीपी आ चुका है तो मैं इसमें ओटीपी डाल रहा हूँ और वैलिड ओटीपी आपको करना है। वैलिड ओटीपी करने के बाद ये हल्का सा प्रोसेसिंग लेगा और ये देखिए आपको इसके बाद कंटिन्यू करना है। आप इसे गूगल क्रोम पे नहीं खोल पाएंगे। और इसके बाद ये देखिए ये फॉर्म जो है ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फॉर्म जो नाम वाम जो है एड्रेस वो भरे आ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँ आपको इसमें इसके बाद करना क्या है, पर इसमें कुछ मेरी पर्सनल आईडी है जो मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी। तो इसके बाद आपको अपना नाम डालना है, आप शहर में या गाँव में हैं आपको वो डालना है। आपको पहले इस ऑप्शन में आपको अपना एड्रेस पूरा डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है बैंकिंग वाले पे। जैसे ही आप पहला स्टेप भर देंगे इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका अलग ब्राउजिंग में ओपन हो जाएगा और अपना पैन कार्ड स्कैन आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी कुछ निजी जानकारी देनी है। इसके बाद आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और आप अपनी यहाँ पर पूरी डिटेल भर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि आपके पास लेज़र है, स्कैनर भी है और कैमरा भी है, बायोमेट्रिक डिवाइस में आपके पास आधार किट है या नहीं है, और आप इसमें पूरी स्टेप भर सकते हैं। अदर डिवाइस में आप पैन कार्ड आपको भरना है। इसमें पैन कार्ड के साथ साथ आपको सर्विस में क्या क्या आपका आधार कार्ड है, तो आप जैसे आधार कार्ड बनाते हो तो आधार कार्ड पर क्लिक कर दें, या आप आधार कार्ड निकालते हो तो वो भी क्लिक कर दें। तो आप क्या क्या चाहते हैं वो सर्विस में, मतलब ये डिटेल है। तो इसके बाद नेक्स्ट में आप इसे अपनी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट में डिटेल भरने के बाद आप इसे सबमिट कर दें। आपके पास ओटीपी आएगा एक, जिस पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप 15 दिन बाद आपकी मेल आईडी पर ओटीपी पास, मतलब कि लॉगिन आईडी आपके पास मिल जाएगी। लॉगिन आईडी मिलने के बाद आप किस तरीके से इस पे काम करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बता दूंगा। अगर आपको इस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।